नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए इस बार भी पिपल एकेडमी में कोल्हान के तीनों जिलों से स्कूली छात्रों ने प्रदर्शित किया एक से बढ़कर एक मॉडल्स। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर जमशेदपुर अक्षेस ने शुरू की कार्रवाई। गैर कंपनी इलाकों में आज अक्षेस की टीम ने औचक की छापेमारी। खटाल संचालकों को दी सख्त हिदायत। चाईबासा के सोनवा थाने में पदस्थापित एएसआई को रंगे हाथों घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। एक केस को कमजोर करने के एवज में एएसआई ले रहे थे घूस। अब खबरें विस्तार से। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं के बीच केंद्र सरकार की ओर से इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। वैसे इस साल भी 2019 और 20 के लिए ये अवार्ड दिया जाना है। इसको लेकर जमशेदपुर के पीपल्स एकेडमी में कोल्हान के तीनों जिलों के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक मॉडल्स प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने किया। इस दौरान जिला परिषद के उपाध्यक्ष एवं शिक्षा अधीक्षक भी शामिल थे, जहां तीनों जिलों के स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से 240 स्टॉल्स लगाए गए थे। वहीं विजयी प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा, उसके बाद देश स्तर पर अपनी प्रतिभा के माध्यम से इस पुरस्कार को जीतने का मौका इन्हें मिलेगा। वहीं जिले के उपायुक्त ने छात्र छात्राओं के मॉडल्स की सराहना की और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। ये इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत सभी विद्यालयों के द्वारा इसमें प्रविष्टि भेजी जाती है और उस प्रविष्टि के आधार पर पहले प्रमंडल स्तर पर फिर राज्य स्तर पर विद्यालयों का और विद्यार्थियों का चयन होता है। इस क्रम में काफ़ी अच्छे और जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में समस्याएं होती हैं उनके निराकरण को लेकर के बच्चों ने काफ़ी अच्छे मॉडल्स बनाए हैं और सजेशन किए हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको कि हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली ये है कि बच्चे अपने आप को अलर्ट रखें और देखें कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं या जो भी कार्य हो रहे हैं उनको कैसे वो और सिंपल सरल कर सकते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोगों ने बात की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर जमशेदपुर अक्षेस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गैर कंपनी इलाकों में आज अक्षेस की टीम ने औचक छापेमारी करते हुए खटाल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे यहां वहां खुले में अथवा नालियों में मवेशियों के गोबर इत्यादि का बहाव न करें। अक्षेस ने खटाल संचालकों को नोटिस किए जाने की बात कही है। गैर कंपनी इलाकों में अक्षेस के सदस्यों द्वारा गैर कंपनी इलाकों में लगातार ये अभियान जारी रखने की बात कही गई। इन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शहर को अव्वल बनाने की दिशा में जो भी जरूरी कदम उठाना पड़ेगा उठाया जाएगा। इन्होंने स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले सभी खटाल संचालकों को नोटिस जारी करने की बातें कही। 10 नाला है, कौन है मालिक? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का तैयारी भी चल रहा है जिसकी जायजा ले रहे हैं पूरी टीम के साथ। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थलों पे गाय का पालन हो रहा है और खुले में गोबर वगैरह फेंक दिया जाता है या नाली में बहा दिया जाता है, जिसकी आए दिन शिकायत सोशल मीडिया या लिखित शिकायत आती है और मोहल्ले में सभी लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके एवज पे कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोग देवनगर स्थित हम आए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर बाएं साइड में देख सकते हैं घर में काफी तंग जगह पे 12 मवेशी पाला हुआ है जिसका गोबर नाली में खुला फेंका जा रहा है, जिससे बस्ती वालों को परेशानी हो रही है। साथ ही डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है, कचरा उठाव प्रबंधन किया जाता है। कुछ लोग जहाँ नहीं देते खुले में नाली में फेंक देते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल उनका नाम लिख कर लिया जाता है, इनको कार्यालय के माध्यम से नोटिस के माध्यम से उनको फाइन के लिए दिया जाएगा।
चाईबासा के सोनवा थाने में पदस्थापित एएसआई घनश्याम दास को जमशेदपुर एसीबी ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता शकुंतला पान नामक महिला के देवर पर सोनवा थाने में दुष्कर्म का एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें केस डायरी कमजोर लिखने के एवज में महिला से 1,00,000 रुपए का डिमांड एएसआई ने किया था, जिसकी सूचना महिला ने एसीबी को दिया, जिसके बाद एसीबी के कहने पर पेशगी के तौर पर 10,000 रुपए देने पर महिला ने सौदा तय किया। उधर एसीबी के बिछाए जाल में रिश्वतखोर एएसआई फंस गया, जिसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आए सब इंस्पेक्टर हैं और उन्हीं के द्वारा 10,000 रुपये लिया जा रहा था, घूस मांगा जा रहा था, जिसके वजह में इनको पकड़ा गया है और रंगे हाथ घूस लेते हुए। एक शकुंतला धान की औरत ना है, शकुंतला पान एक औरत है उसी से। अरे किस वजह में पैसा मांग रहा था? कोई केस में मदद करने में। फिर इस मामले में क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग गिरफ्तार किए हैं, कोर्ट से न्यायालय भेजा जा रहा है। जमशेदपुर में इन दिनों लगातार चोरों का आतंक जारी है, जहां जुगसलई थाना अंतर्गत गौशाला चौक के निकट देर रात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। 15 दिनों पूर्व गौशाला चौक के निकट चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था, जहां एक गल्ले की दुकान से 5,00,000 रुपए नगद की चोरी हुई थी। उस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुनः चोरों ने गौशाला चौक स्थित गंगा स्टोर का ताला तोड़कर 35,000 रुपए नगद व सामान समेत लगभग 70,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित दुकानदार वीरेंद्र कुमार ने बताया कि चोरी की घटना से पूरे क्षेत्र के लोग दहशत में जी रहे हैं। 15 दिन पूर्व चोरी की घटनाएं घटी और दोबारा फिर उनके दुकान में ये घटना घटी। उन्होंने कहा इस संबंध में जुगसलई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस संबंध में जुगसलई पुलिस ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। हम दुकान जैसे बंद करते हैं वैसे बंद करके हम घर गए हैं। उसके बाद सुबह में मेरे पास 5:30 बजे फोन आया है कि आपका दुकान का, वीरेंद्र जी आपका दुकान का ताला सब टूटा हुआ है और दरवाज़ा खुला हुआ है, जाके देखिए कुछ हुआ है क्या। तो हम आ करके हमने देखा तो सही में तीनों ताला मेरे दुकान का टूटा हुआ था। अंदर घुसा, देखा कैश काउंटर, कैश उस खोल करके देखा, मतलब टोटल कैश 35,000 रुपया और सामान मतलब आपका 20,000 रुपये का सामान और कान की बाली वाइफ ला के रखी थी सोनार को देने के लिए, साफ करवाने के लिए, वो प्लस मतलब एक चालू मोबाइल सब मिला के 70,000 रुपये। पहले भी घटना घटी है बैंक के नीचे में, उसका 12-13 लाख रुपया का उसका चोरी हुआ है और भी 4-5 घटना 15 दिनों के अंदर में ही मतलब हो गया है गौशाला चौक के आस पास। सरायकेला जिले के चांडिल के दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के मालू कोचा चेक नाका में झुंड से बिछड़े हाथियों के लिए निर्मित बाड़े में मायूसी छाई हुई है। वैसे ये मायूसी यहाँ रह रही चंपा हथिनी के बीमार होकर गिरने के कारण हुई है। आपको बता दें कि एक माह पूर्व इस बाड़े में रह रही हथिनी लक्ष्मी की मौत के सदमे से अभी वन विभाग के अधिकारी उबर भी नहीं पाए थे कि एक और हथिनी अब बीमार हो चली है। हालांकि वन विभाग दिन रात चंपा की सेवा में लगी हुई है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के मालूकोचा में झुंड से बिछड़े हाथियों के लिए बाड़े का निर्माण किया गया है, जो सैलानियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन हाथियों के रख रखाव का जिम्मा वन विभाग के हवाले है, जहां पिछले साल 5 हाथी इस बाड़े में रह रहे थे। हालांकि उसमें से 2 हाथियों की पहले ही मौत हो गई है और अब 6 जनवरी की रात को चंपा नाम की हथिनी गिर गई, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों के बीच मायूसी देखी जा रही है। हालांकि डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया जा रहा है, जिसके बाद चंपा के स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ है। 7 दिन से नहीं खा रही थी, उसके चलते गिरी थी। इस बार जो गिरने का सबसे बड़ा कारण हमको समझ में आ रहा है कि ये ठंडा जो है यहाँ, चूँकि रात को टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाता होगा, डाउन हो जाता होगा, हमको लग रहा है 2-3 डिग्री इस तरह हो जाता होगा, ठंडा के चलते ये असर हुआ है हमको जहाँ तक लग रहा है। तो उस संबंध में जितनी भी दवाइयाँ हैं सब दे दी गई है और बाकी जो है दवा इसको मंगा के और कर दिया जाए।
अभी ठीक है, ये ताकत काफ़ी लगा रही है इसको। मैं समझता हूँ कि यदि उठाने का प्रयास किया जाएगा तो ये अपना ताकत से खुद उठ सकती है। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान में रेड क्रॉस व राम मनोहर लोहिया के संयुक्त तत्वावधान में 574वें नेत्र ज्योति महायज्ञ का समापन हुआ, जहां कुल 216 मोतियाबिंद नेत्र रोगियों का सफल ऑपरेशन किया गया। अंतिम दिन विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला समेत जिले के पुलिस कप्तान अनुप बिरथरे, शहर के गणमान्य लोग एवं चिकित्सक मुख्य रूप से शामिल थे। मुख्य अतिथि उपायुक्त व जिले के पुलिस कप्तान के हाथों उनके बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं उपायुक्त ने कहा कि इस पुण्य कार्य से जुड़े सारे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। इस तरह की पहल से लोगों में ऐसे कार्य करने की इच्छा जागृत होती है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संख्या में जो मरीज जरूरतमंद मरीज हैं उनको हेल्प की गई है और सभी लोगों को आवश्यक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस कार्य में सम्मिलित हमारे रेड क्रॉस के सभी सदस्यों और सभी संरक्षक मंडल के सदस्य, साथ ही साथ सभी डॉक्टर्स और सभी वॉलंटियर्स को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अनुकरणीय प्रयास है और हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि लोगों की इसी प्रकार से मदद कर सकें। जमशेदपुर के साक्षी बारद्वारी में सुवर्ण समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रक्तदान शिविर में शामिल हुए। वहीं रक्त देने वाले युवाओं का हौसला पूर्व मुख्यमंत्री ने बढ़ाया, साथ ही इस रक्तदान में समाज के सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल होकर रक्तदान की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पूरे देश में जमशेदपुर शहर में सबसे ज्यादा रक्तदान लोग करते हैं और इसे सभी समाज के लोग पर्व के समान मानते हैं। आज रक्तदान शिविर कर रहे हैं तो मैं समाज को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, खास करके इस रक्तदान शिविर में जिस तरह युवा समाज के प्रति प्रेरित होकर रक्तदान कर रहे हैं, हमारे राज्य के लिए, हमारे जमशेदपुर रक्तदान एक ऐसा दान जिसे हम कहते हैं गुप्त। बाकी के दान में कहीं ना कहीं शिलापुट में दादा का नाम अंकित होता है, लेकिन रक्तदान में देने वाले का कहीं शिलापुट में नहीं होता, असली गुप्त दान रक्तदान। जमशेदपुर में बढ़ती ठंड से पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त है, जहां कड़ाके की ठंड से परसोड़ी थाना अंतर्गत परसोड़ी बाजार में एक बुजुर्ग की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 60 वर्षीय मृतक का नाम कमल बताया जा रहा है, जो टेलको के रहने वाले थे। फिलहाल वे परसोड़ी बाजार में रहकर पंसारी दुकान में काम कर अपना पेट चलाते थे। इधर इस संबंध में जानकारी देते हुए परसोड़ी बाजार संघ के अध्यक्ष धीरज यादव ने बताया कि सुबह उन्हें जानकारी मिली कि कमल नाम के बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसकी सूचना उन्होंने परसोड़ी पुलिस को दी, जहां बाजार पहुंचने पर उन्हें मालूम चला कि खुले में सोने की वजह से वे ठंड के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे को 8:30-9 बजे जैसा फोन आया परसोड़ी बाजार से, क्योंकि परसोड़ी बाजार फुटपाथ दुकानदार संघ का अध्यक्ष होने का नाते दुकानदार मुझे फ़ोन किया कि भाई परसोड़ी बाजार के छत के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमने कहा कि ठीक है आते हैं। आए देखे तो भाई परसोड़ी बाजार पर ही एक दुकान में काम करता था, उम्र मोटा मोटी 55-60 साल की है। थाना को सूचना किया, थाना आया है, छानबीन अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन अनुभव है कि ठंड का चलते ही इनका मौत हुआ। उनका कहना है कि दुकान में काम करके वो हर दिन के भांति इस बार कल रात को भी वैसे निकल के वो आया और उसके बाद सुबह जब आके देख रहे बुलाने आया तो देख रहे कि छत के ऊपर मरा हुआ। जमशेदपुर के जुगसले स्टेशन रोड स्थित प्रदीप मिश्रा चौक में प्रदीप मिश्रा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा उनकी 59वीं जयंती मनाई गई, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया।
प्रत्येक वर्ष प्रदीप मिश्रा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रदीप मिश्रा की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाती है और इसी क्रम में इस वर्ष भी जयंती काफी धूमधाम के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि के तौर पर जिसको वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे समेत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व शहर के गणमान्य लोग शामिल थे, जहाँ सभी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इनका 59वां जयंती हम मना रहे हैं और ये बराबर अपने कार्यक्रम में रखते थे जनहित का कार्य। शिक्षा के प्रति प्रेम का बहुत था, इसलिए हम लोग प्रदीप मिश्रा वेलफेयर सोसाइटी के तहत शिक्षा के गरीब पिछले वर्ग के छात्रों को भी मदद करते हैं और साथ ही जनहित का कार्य जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके उसमें भागीदारी निभाते हैं। जमशेदपुर के मानगो शंकु साई स्थित जयप्रकाश नारायण स्कूल के द्वारा अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। समापन समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। समापन समारोह के दौरान यहाँ स्कूली छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिससे मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। के 32वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर स्मिता जी मंच पर उपस्थित है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।